नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. सबसे पहले एक पॉजिटिव शुरुआत है. पर्सन हु वोंट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर वन हु कैंट रीड. आप इसको एक पॉजिटिव शुरुआत भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एक रियलिटी भी कह सकते हैं, एक मशवरा भी कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ना जानते हैं और अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर आप में और उस व्यक्ति में जो पढ़ना नहीं जानता है उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता. अगर आप पढ़ना जानते हैं और पढ़ते नहीं हैं तो ये जो थिंग है ये आपके दिमाग की कमज़ोरी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है. यू नो, एक मूड, ये एक हर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा कम प्रभावित होते हैं. मूड नहीं है, मूड का नेचर ही यही होता है. ये अप डाउन होता है. कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है. तो क्या हम वेट करते हैं अच्छे मूड के टाइम की कि अगर जब मूड होगा तब पढ़ेंगे? नॉट एट ऑल. आपको इसी चीज़ के ऊपर तो विजय प्राप्त करना है कि मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपका जो कार्य है, चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे ये आपका वर्क हो, जॉब हो, वट एवर इट इज़, यू नो, यू हैव टू लर्न टू कॉन्कर योर मूड. और इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज ये संडे है. कई बार मैंने ये शब्द का उपयोग देखा है. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आज का लेक्चर लेट क्यों है? लेट नहीं है, आज संडे है. तो आज मुझे भी थोड़ी एनर्जी गैदर करनी है ताकि कल मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको जो टाइम पे एक लेक्चर है, सुबह 7 से 8 बजे का एक एवरेज टाइम है, तो इससे पहले आपको पहुंचाना है. मैं ट्राई पूरी करता हूं कि 7:30 बजे से पहले आपको लेक्चर दिया जाए. और इसके लिए जो मेहनत है ये 3:30-4 बजे इसकी शुरुआत हो जाती है. तो आप आई एम श्योर इस चीज़ को भी समझेंगे कि संडे को सर को थोड़ा आराम की भी ज़रूरत रहती है. आज का जो आपका टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, कि आज संडे हैं तो एडिटोरियल्स आर्टिकल्स तो होते नहीं हैं. आज हम सिर्फ न्यूज़ आइटम के ऊपर ही नज़र डालेंगे और एक स्पेशल टॉपिक मैं ट्राई करता हूं आपके लिए लेकर आने की, जिससे आपको एक अलग ही, यू नो, जो चीज़ें जो हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ऐड करने की कोशिश करता हूं. आज का जो टॉपिक है ये आर्टिफिशियल मीट के साथ, यानी कि कृत्रिम मांसाहार के साथ जुड़ा हुआ है. अब लेबोरेटरीज में रिसर्च चल रही है और इस चीज़ में हमें सफलता भी मिली है कि जो प्रजनक हैं उनकी कोशिकाओं को लेबोरेटरी में डेवलप किया जा सके, जिससे कि आर्टिफिशियल मीट हम पैदा कर सके. लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीट हम पैदा कर सके, कृत्रिम मांसाहार या फिर कृत्रिम मांस हम पैदा कर सके. अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने कई बार बात की है. और आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलता है और उस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी, कार्डियक, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ का शिकार वो बनते हैं. और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि एक बहुत ही लंबे टाइम से उनको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती है. कई लोगों को बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं, उसका तो एक्सेस है, लेकिन प्रोटीन है, दूसरी जो विटामिंस हैं, ये सारी चीज़ों का एक्सेस उनको नहीं है. तो फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ लोगों को होती हैं. दूसरे एंगल के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, जो फूड सिक्योरिटी का एक एंगल है, दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप तब समझ पाएंगे जब मैं आपको ये फैक्ट्स बताऊँ कि क्या आपको पता है कि पूरा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस का 15% जो सोर्स हैं, ये हमें लाइफ स्टॉक यानी कि पशुधन से मिलता है. ये एक बहुत ही चिंता का विषय है. आप हम पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यू नो, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे अंदर काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन जब हम ये लाइफ स्टॉक या फिर पशुधन की बात करें तो उनसे 15% हमें ये मिलता है ग्रीन हाउस गैसेस. तो इसके बारे में आपको कभी भी प्रोटेस्ट या फिर इतनी ज़्यादा बातें सुनने को नहीं मिलेंगी. और ज़्यादातर अगर आप आंसर्स देखें स्टूडेंट के, खास करके मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो लोग बात करने ही वाले हैं फ्यूल के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फैक्ट्रीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में. लेकिन अगर आपका पॉइंट ये भी हो गया, आप ही देखिए, अगर आपको ये पॉइंट आपने कहीं पर लिखा है तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, एग्जामिनर है, उसके दिमाग में भी ये स्ट्राइक होगा कि आपने एक ऐसा पॉइंट लिखा है जो दूसरे लोगों से अलग है. और एक अलग ही टॉपिक ये बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक नटशेल में, एक जिस्ट में बताना चाहूँगा, वन लाइनर के कंटेक्स्ट में, कि अगर आपका एक पॉइंट स्टार्टिंग का ही आंसर है और अगर आपका एक पॉइंट जो है वो हटके हो गया या फिर आपका आंसर जो है क्रिएटिव इनोवेटिव हो गया, तो ये चीज़ के ऊपर रिसर्च भी हो गई है और प्रूफ भी हो गया है कि जो एग्जामिनर है वो आपका नेक्स्ट आंसर जब देखेगा या देखेंगे तो
उनके दिमाग में यही एक छवि होगी आपकी कि जो सेकंड आंसर है उसमें भी कुछ इनोवेटिव होगा ही. तो ओवरऑल यू नो ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज है जिसका फायदा आपको मिल सकता है. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं, ये अगर संभाली जाए तो फिर ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो आपके अप हो सकते हैं. द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, हमारे जो मिनिस्टर हैं मेनका गांधी जी, वो एक एनिमल एक्टिविस्ट रहे हैं. ये जो एनिमल का कत्ल होता है तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत बार विरोध भी किया है. और ऐसा भी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि नॉन वेज खाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, या फिर वेज खाने वाले लोग ही दयालु और अच्छे स्वभाव के होते हैं. ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है. लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेन पर्पस है वो ये है कि एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, डिमांड एंड सप्लाई और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो अगर दुनिया के सारे लोग जो हैं वो नॉन वेज छोड़कर वेज खाने लगे तो फिर डिमांड एंड सप्लाई जो है वेज प्रोडक्ट्स की वो भी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी. हेल्थ कंटेक्स्ट में तो आप जानते ही हैं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हमें देखने को मिल सकता है. फिर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो जियोग्राफी के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं. तो एनीवेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका है, क्योंकि 15% अगर ग्रीन हाउस गैसेस लाइव स्टॉक से आ रहा है तो ये एक सोचने की बात है. दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 किलो जो मटन होता है, राइट, तो 1 किलो गोश्त जो है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए आपको 8,000 लीटर ऑन एन एवरेज पानी चाहिए. अब आप सोचेंगे कैसे, एक छोटा सा जो बकरी का बच्चा है तो वो जब पैदा होता है तब से उनका जो पानी का कंजम्पशन आप देखें, और उसके बाद जब वो हृष्टपुष्ट हो जाए, काटने के लिए जब रेडी हो जाए, तब तक अगर आप देखें, और जितना मीट प्रोड्यूस होता है, तो ऑन एन एवरेज 1 किलो के पीछे 8,000 लीटर पानी का उपयोग होता है. तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है. तो आप सोचिए, 1 किलो या 0.5 किलो मीट जब वेस्ट होता है, तो सिर्फ वो मीट ही नहीं, सिर्फ 200-500 जितने भी उसकी कीमत है वो ही नहीं, लेकिन उसके पीछे जो हिडन आइटम्स है, पानी और दूसरी चीज़ें, वो भी वेस्ट होती है. तो पानी, फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, तो ये सारे अगर टॉपिक्स को देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल मीट एक बहुत ही इनोवेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यूएसए की जो मार्केट्स हैं, वहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर वो शेल्फ में भी आर्टिफिशियल मीट्स अब देखने को मिलेंगे. बड़े बड़े जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर बिजनेस टाइकून्स हैं, जैसे कि बिल गेट्स हैं, फिर रिचर्ड ब्रैंसन हैं, तो इन्होंने भी इस आर्टिफिशियल मीट इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्ट किया है. और ये भी अभी फ़िलहाल जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस इसमें हुए, नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये सारी चीज़ों से फिर मास प्रोडक्शन, मास यानी कि नॉनवेज नहीं, मास का मतलब होता है कि एक बड़ा प्रोडक्शन, यू नो, एक बड़ी क्वांटिटी में जब इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, तो उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो कम हो सकती है. तो फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को हम संभाल सकते हैं. भारत में आप जानते हैं पानी के, लैंड के वैसे भी इश्यूज चल रहे हैं, और अगर इसको एक अल्टरनेटिव के तौर पर, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, यू नो, अगर प्रेजेंट किया जाता है, तो फिर देश में फ़ायदा ही फ़ायदा है. जो भी हम लिंचिंग और ये सारे किस्से देख रहे हैं, राइट, काव विजिलेंट्स हैं, फिर गौ रक्षा के नाम पर जो भी सोसाइटी में इश्यूज होते हैं, तो वो भी हम बंद कर पाएंगे. इसके अलावा ये जो स्टीरियोटाइप भी चल रहा है कि भाई मीट खाने वाले लोग बुरे होते हैं एक्सेट्रा, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स भी चले जाएंगे. फूड सिक्योरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दी है. अब संभालना है टेस्ट को, जो स्पेसिफिक एक टेस्ट इसका रहता है नॉन वेज आइटम्स का, अगर वही टेस्ट मेंटेन कर पाएंगे. और लास्ट में जो चीज़ है ये है पैकेजिंग. पैकेजिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को आप किस प्रकार से बेच रहे हैं. अगर आप ये कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल मीट है तो लोग इससे घबराएंगे. अगर आप इसको इस तरीके से बेचते हैं या फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हेल्थी हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, प्राइस में भी अफोर्डेबल हैं, अगर इस कंटेक्स में इसको बेचा गया किसी भी तरीके से, और अगर ये रियलिटी में ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो फिर ये एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है. आज जो हमने डिस्कशन की है तो उसके ऊपर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. ये थोड़ा अलग प्रश्न है. क्या आप बता सकते हैं कि आपके सिलेबस के कंटेक्स में आज का जो ये आर्टिफिशियल मीट वाला टॉपिक था वो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स को टच कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि आप 10-15 आइटम्स लिखें. टू द पॉइंट रहिए, 4 से 5 आइटम्स आप दिखाइए.
और देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो GS1, GS2, GS3, GS4 इसके डिवीजन भी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम डियर फ्रेंड्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के लेक्चर की PDF आपको मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के ऊपर से मिल जाएगी। हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज दूसरी एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल हैं। टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट चेक आउट studyiq.com। और आज टू द पॉइंट न्यूज आइटम्स के बारे में बात करें तो होम मिनिस्ट्री से एक खबर है, एक एक डिमांड चल रही थी या फिर एक डिमांड सरकार के ऊपर क्रिएट की जा रही थी कि भाई साइमल्टेनियस पोल्स जो हैं उसको इसी टाइम से आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन और अलग अलग राज्यों के जो इलेक्शंस हैं उनकी उनकी असेंबलीज़ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। अब साइमल्टेनियस पोल्स जो हैं इसके बारे में पहले भी बात कर ली है और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ें जो हैं जब कभी भी आपको पढ़ने को मिले सुनने को मिले तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और एक बैलेंस भी निकालने की कोशिश करनी है कि क्या आगे का रास्ता हो सकता है। आई एम श्योर जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एनालाइज करेंगे और पिछले लेक्चर्स में जो हमने बातें की है उसको रिकलेक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू फॉर्म एन ईजी ओपिनियन ऑन दिस थिंग। और ये इतनी डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत है, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली मेन्स एग्जामिनेशन में खास तौर कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में आपका क्या अभिप्राय है। नाउ द थिंग इज कि 2019 का जो जनरल इलेक्शन है ये शेड्यूल पर ही होने वाला है, ये होम मिनिस्टर साहब ने बताया है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस साल के अंत में दिसंबर 2018 से लेकर जनवरी 2019 के ऊपर नज़र डालें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम ये सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन हो सकते हैं। अब आप देखिए कि हर साल हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो यही एक रीज़न है कि साइमल्टेनियस पोल्स जो हैं उनको कंडक्ट करने की बातचीत की जा रही है लेकिन बहुत सारे हर्डल्स भी हैं। ये न्यूज़ आइटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो आप देखेंगे कि ये सारे अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और इसी साल 2019 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और ये चीज़ सामने आई है कि मई 15 2019 से पहले एंटायर प्रोसेस जो है इलेक्शन की वो खत्म कर दी जाएगी। मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, CJI जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब तो वो रिटायर होने वाले हैं बहुत जल्द और ये एक प्रोसेस रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उनको एंडोर्स करना होता है कि उनके बाद नेक्स्ट जो CJI हैं वो कौन है। तो फिलहाल ये डिक्लेरेशन हमारे CJI साहब ने नहीं किया है लेकिन जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं और दूसरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका कहना यह है कि डेफिनेटली 100% जो नेक्स्ट CJI हैं वो रंजन गोगोई साहब ही होंगे क्योंकि ये एक कन्वेंशन है यानी कि एक प्रथा चली आ रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपने बाद जो सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम ही CJI के लिए रिकमेंड करते हैं या फिर उनको ही वो अपॉइंट करते हैं, उनको जो ग्रीन सिग्नल जो फाइनल है वो उनको ही दिया जाता है जो सबसे सीनियर मोस्ट है। तो ये एक कन्वेंशन है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें ये होता है, अगर बैकग्राउंड थियरी की बात करूँ तो CJI जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को इन्फॉर्म करते हैं कुछ एक महीने पहले तो इन्फॉर्म कर ही देना होता है लेकिन सो फार एक जो कहते हैं हम कि कम्युनिकेशन आज भी नहीं मिला है लेकिन आई एम श्योर आने वाले कुछ ही दिनों में इस चीज़ के ऊपर भी क्लैरिटी मिल जाएगी और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी एज पर अर्ली टाइम। राइट, नेक्स्ट आइटम जो है ये है 71% सर्ज इन IT रिटर्न्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ है। हमारा जो IT रिटर्न है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसकी फाइलिंग में एक बहुत बड़ा सर्ज शब्द को हमने वोकैबुलरी में देखा था, इसका मतलब है किसी भी चीज़ में एक उछाल देखना, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे सर्ज कहते हैं। तो 71% टू 5.42 करोड़, राइट, अगस्त तक अगर देखा जाए तो 71% एक उछाल हमें देखने को मिला है और ई फाइलिंग की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो IT रिटर्न फाइल किया जाता है तो इसमें 54% इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि वॉलेंटरी कंप्लायंस जो हैं लोग आगे चलकर लोग आकर टैक्स पे कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छी निशानी हमें देखने को मिल रही है। टैक्स जो डक करने की एक चीज़ है या फिर टैक्स ना पे करना, कम पे करना, ये सारी चीज़ों को भी हमें अब सॉर्ट आउट करना होगा, ये हमारा एक फ्यूचर प्लान हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिस प्रकार से कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, कैसे टैक्स पेयर्स के जो फॉर्म्स है अब एक फॉर्म ही, एक पेज का फॉर्म रह गया है जब आपको टैक्स फाइल करना होता है,
तो जितना इजी प्रोसेस हो जाएगा, जितना यू नो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, तो टैक्स भी पे करने में एक आसानी रहेगी और इसी के साथ साथ कंप्लायंस भी बढ़ेगा। और देश के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं आते हैं तो फिर पैसे नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, कैसे रोड स्कूल ये सारी चीज़ें हम कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी है, केरला में जब बाढ़ आई या फिर दूसरी जो आपदा है, तो इन सबको लड़ने के लिए हमारे पास पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, अगर 6 महीने के बाद इसी चीज़ को मैं आपको पूछूँ तो आप अगर रिवीजन टाइम पर नहीं करते हैं तो आप सोचेंगे कि यूपीएससी में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप ये मानते हैं कि कहीं से भी चीज़, और आजकल ये चीज़ आपको देखने को और पढ़ने को भी मिलती है कि कहीं पर से एवरीथिंग अंडर सन, ऐसा ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, नो दैट इज़ नॉट राइट, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक सिलेबस दिया गया है, आप टाइमली रिविजन कीजिए, अच्छे सोर्सेस में से पढ़िए, देन आई एम श्योर आप इसको हासिल कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है आपको रिवाइज इसलिए करनी है क्योंकि इसी साल ये 3 टाइम राइट अलग अलग टाइम में इसी साल 2018 में ये जो आप एक हिरन देख रहे हैं, तो ये 3 टाइम नेशनल लेवल पर इसकी कई नेशनल पेज के ऊपर ये न्यूज़ में रहा है। इसका नाम है ब्रो एंटीलर्ड डियर, इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, और 1951 में नियरली ये एक्सटिंग हो गया था, कुछ ही बचे थे, लेकिन आज इसकी जो पॉपुलेशन है ये 260 है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ये अगेन एक बहुत ही डेंजर जोन में ही है। देखिए IUCN के लिस्ट में देखें तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में है। देश के बारे में बात करें तो Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये फॉल होता है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस शेड्यूल में रखा गया है, Schedule 1 में। अब आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ियाल किस शेड्यूल में है और ये डांसिंग डियर या फिर ब्रो एंटीलर्ड डियर जो हैं ये किस कैटेगरी में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये दुनिया में किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मणिपुर में ही आपको देखने को मिलता है। मणिपुर का जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर आपको ये डियर देखने को मिलेगा। और आज का प्रश्न एक है आपके लिए, प्रश्न ये है कि इस डियर का एक नाम है, इसका एक अलग नाम है, तो ये नाम क्या है ये बताइएगा। डांसिंग डियर नहीं, ये ब्रो एंटलर्ड डियर भी नहीं, एक हमारे एक हिंदी नाम है इसका, तो ये हिंदी नाम क्या है ये बताइएगा। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार इसके हिंदी नाम ऐसे जो उपनाम होते हैं इसके ऊपर से भी आपको गंगा डॉल्फिन जैसे राइट, तो सुसु उसका एक नाम है, तो ये आपको पूछ लिया यू नो, तो द थिंग इस कंटेक्स्ट में आपको ये देखना ज़रूरी है राइट। तो मूविंग ऑन डियर फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक के न्यूज़ के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम के कंटेक्स में बात करें तो गगनयान सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए जो द हिंदू हैं इसमें जो साइंस के कुछ आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं राइट। वैसे तो बहुत सारे साइंस रिलेटेड मैगजीन्स भी आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, नो आपके लिए StudyIQ ने क्या किया है कि हमने स्पेशल जो रवि अग्रहरि साहब हैं, जो एक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हैं, तो उनके द्वारा हर महीने आपको एटलीस्ट एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। और ख़ास करके UPSC के बारे में अगर आप बात करें तो UPSC का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है तो वो बहुत ही यू नो विस्तार से उसको कवर भी कर लेते हैं, तो ये लेक्चर आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक के हैं वो दिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हिंदू में जो कवर होते हैं आर्टिकल्स या फिर जो हिंदू के साइंस एंड टेक है या फिर दूसरे न्यूज़पेपर के साइंस एंड टेक है, उससे कई ज़्यादा फ़ायदा आपको रवि अग्रहरि साहब के वीडियो में से मिल जाएगा। गगनयान यानी कि स्पेस का हमारा एक ऐसा मिशन जो हम आने वाले सालों में 2022 से पहले कंडक्ट करने वाले हैं। हमारे देश से हम 3 लोगों को स्पेस में भेजने वाले हैं, ये इसरो ने एक डिक्लेरेशन कर दिया है। कुछ 300-400 किलोमीटर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर स्पेस में जाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स, और GSLV Mach 3 का उपयोग किया जाएगा। आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि GSLV Mach 3 जो है ये 3 स्टेज वाला एक व्हीकल है। पैसे अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ रुपये इसका बजट है। 10,000 करोड़ रुपये अगर इतने बड़े मिशन की बात करें, दूसरे दुनिया के देशों के कंटेक्स में अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग राइट, ये बहुत ही कम अमाउंट है। और
ये सिर्फ एक मिशन ही नहीं है, ये हम दुनिया के लिए भी एक नए द्वार खोल रहे हैं, भारत के लिए एक नया द्वार है। फ्यूचर में हो सकता है कि हम दूसरे ग्रहों में भी रहने के लिए जाएं, और ये जो सारे स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग का ये भी कहना है कि स्पेस में पैसे क्यों बर्बाद करें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं, तो गरीबों के लिए ही तो इसरो काम कर रहा है। आप देखिए, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे आपका सॉयल हेल्थ कार्ड हो, चाहे एम्बुलेंसेस को ट्रैक करना हो, चाहे दूसरी चीज़ें जो हैं लॉजिस्टिक जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आसमान में ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हम लॉन्च करें, नए नए सैटेलाइट्स हों, नई नई टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें। डियर फ्रेंड्स, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो आने वाले टाइम में एम वीरप्पा मोइली साहब, जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फाइनेंस के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि आने वाले विंटर सेशन में इसको टेबल किया जाएगा। देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है इसमें ओपोजिशन के लीडर्स होते हैं, इसकी एक टेक्निकलिटी होती है, लेकिन ओपोजिशन रूलिंग पार्टीज के लीडर्स होते हैं, और अच्छी बात ये है कि इसमें इतने मैच्योरिटी दिखाई दी जाती है लोगों की, हमारे MPs की, जो ज़्यादातर हमें हाउसेस में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी, देखिए आप फाइनेंस के ऊपर जो हैं, तो 69 रिपोर्ट्स इन्होंने सोफा टेबल किए हैं, और सारे के सारे जो हैं आपसी सम्मति से डेवलप किए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। EMI यानी कि आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी लोन का पे करते हैं, तो वो थोड़ा आपको चुभने वाला हो सकता है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो हैं SBI ने बढ़ा दिए हैं, तो इससे फिर ये होता है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कि ये जब बढ़ता है तो आपकी लोन जो हैं उसमें अगर आप 10,000 रुपये पे कर रहे थे पर मंथ, तो अब आपको से फॉर एग्जांपल 10,200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आप इसका कैलकुलेट कीजिए 200 रुपये का 12 महीनों पे, तो आप पाएंगे कि यार 2,400 रुपये की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर ऐसी 5 लोन आपकी चल रही है तो आप सोच लीजिए कि कितने पैसे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक रफ एग्जाम्पल है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि, और ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग इन द सेंस के इनका जिस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट ये माओविस्ट ने या फिर ये नक्सलियों ने डेवलप किया है, और होना हो मीन्स ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतने अलग अलग जगहों पर इतना आतंक उन्होंने मचा रखा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के बिना ये नहीं हो सकता, तो पूरी मैनेजमेंट की कमांड यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो इसके ऊपर भी नज़र एक घुमा लीजिएगा, राइट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। कल प्रश्न पूछा था रिप्रोचमेंट, तो इसका मतलब है मैत्री करना या फिर नज़दीकियाँ बढ़ाना, खास करके दो देशों के बीच में अगर बात करें तो। अमराज का मतलब होता है कि किसी का अपमान करना, किसी को किसी से नाराज़गी होना, और इसी के साथ इसका दूसरा मतलब भी है छांव, जो हम कहते हैं पेड़ की छांव, तो खास करके पेड़ की छांव को भी शेडो भी कह सकते हैं आप, अम्ब्राज भी कह सकते हैं। पेरोशियल का मतलब होता है देहात या फिर स्थानीय, इसका मतलब ये भी होता है कि चर्च के साथ जुड़ा हुआ, तो अलग अलग एक ही शब्द के अलग मतलब अलग उपयोग होते हैं। और फ्रेटरनाइज का मतलब ये होता है भाईबंदी करना या फिर भाईचारा करना, बढ़ाना एक्सेट्रा। और इम्पर्वियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो पानी को अंदर नहीं है, मीन्स एक ऐसी बोट जो इम्पर्वियस है, तो इसका मतलब ये है कि पानी को किसी भी जगह से अंदर नहीं आने देगी, वाटर टाइट जिसे आप कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब है कि बहुत ही प्रबल होना, बहुत ही शक्तिशाली होना भी इसका मतलब है। और कई बार इसका अविवेकी भी अविवेकी को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका मतलब, इसका उपयोग किया जाता है। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, तो ये है इसका राइट आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट आंसर देने के साथ साथ इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। यही इंटरेक्टिव जो मॉडल है, इसमें मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ बातें करता रहूँ और आप मुझसे ही सीखें। मैं जानता हूं कि अलग अलग सोर्सेस हैं आपके पास और होने भी चाहिए, ये राइट। और अगर आप कुछ चीज़ जानते हैं और अगर आप उसको शेयर करते हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें जानता हूं, ऐसा क्लेम मैं कभी करता भी नहीं और कर भी नहीं सकता। तो दो तीन चीज़ें तो मुझे भी नई नई चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि यहाँ की रिवर्स जो थी
उनके ऊपर मैंने एक अटेंशन पे नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे अब पता चल गया इनकी रिवर्स का नाम. ये चीज़ मैंने सोचा कि इसके ऊपर मेरी नज़र नहीं गई थी, तो आई शुड गो थ्रू द रिवर्स एज वेल, तो ये भी चीज़ चली गई. कल मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि टाइम के साथ रिलेशनशिप है, तो आप देखिए टाइमलाइन जो है 0 डिग्री ये यहाँ से निकलती है, आकरा इसका कैपिटल है, गल्फ ऑफ गिनी के ऊपर आया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए डियर फ्रेंड्स. एक ही मैप बेस्ड क्वेश्चन को बस आंसर मिल जाए या फिर आंसर दे दिया नहीं, आप थोड़ी बहुत 2-5 मिनट की रिसर्च कीजिए. कुछ टाइम लगेगा लेकिन 5-6 हफ्ते के बाद आपको कितना बड़ा इसका फ़ायदा होगा. रोज़ की 2-5 मिनट जो हैं वो भी आपकी एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा फिर जियोग्राफी कंटेक्स्ट आइटम्स का. और मैप बेस्ड क्वेश्चन कहें आप इसे या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है, राइट? अगर आपको पता नहीं है तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे. उनके जब भी आंसर आप देखें तो रिसर्च कीजिए, राइट? उनके ऊपर रिलाय मत कीजिए, रिसर्च कीजिए और ढूंढिए इस चीज़ के बारे में कि ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी खासियत क्या है. और दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स. प्रश्न तो मैंने पूछ लिए हैं तो स्पेसिफिक आज प्रश्न नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आज संडे है. तो एंजॉय कीजिए आपके संडे को. कल जो प्रश्न पूछे थे उसके आंसर्स हैं studyiq.com के ऊपर. पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं. और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग. टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.